सीएम केजरीवाल जल्द दे सकते हैं राहत, दिल्ली वालों के लिए बड़ी गुड न्यूज। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के लोकल शॉपिंग सेंटर में एमसीडी की तरफ से लगाए जाने वाले अवैध कन्वर्जन और पार्किंग शुल्क पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द राहत दे सकते हैं। अवैध कन्वर्जन और पार्किंग शुल्क ना देने पर सील 500 दुकानों के व्यापारियों ने रविवार को सीएम से की मुलाकात। सीएम ने जल्द कोई रास्ता निकालने की बात कही है। लोकल शॉपिंग सेंटर फेडरेशन के तत्वाधान में व्यापारियों के प्रतिनिधि के मंडल ने सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। यह फेडरेशन 106 मार्केट एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करता है। व्यापारियों ने अवैध कन्वर्जन और पार्किंग चार्ज ना देने पर एमसीडी की ओर से सील किए गए 500 दुकानों का मसला उठाया। सीएम ने ट्वीट कर कहा, आज दिल्ली के लोकल शॉपिंग सेंटर्स के व्यापारियों से मिला। पिछले कई सालों से इन सभी व्यापारी भाइयों की 500 से ज्यादा दुकानें सील पड़ी हैं। मैंने यूडी मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज और एमसीडी मेयर शैली ओब्रॉय को निर्देश दिए हैं कि इन सभी व्यापारियों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। सीएम ने शहरी विकास मंत्री और मेयर को व्यापारियों के हित में कुछ ही दिनों में समाधान निकालने के लिए कहा है। सीएम ने अन्य मार्केट में चल रही सीलिंग पर भी रास्ता निकालने के निर्देश दिए, जिससे दुकानों को लीगल स्टेटस मिले और एमसीडी व्यापारियों को परेशान ना करे। दरअसल सीलिंग की ये कार्रवाई 2006 में चली सीलिंग और डिमोल्शन की मुहिम के आगे की कड़ी है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने रिहायशी इलाकों में चल रही मार्केट्स को सील करने के आदेश दिए थे और इस कार्रवाई की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग कमेटी बनाई थी। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।